अध्यारोपण के सिद्धांत हमको समझना है, और इसके लिए मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछूं कि भैया दस दस कितना होता है, दस दस का जोड़ कितना होता है, दस दस का जोड़ के बताओ कितना आएगा, दस और दस को जोड़ो, हाँ बीस, दस दस बीस आएगा, क्या दस दस जोड़ने पर जीरो भी आएगा, जीरो भी आ सकता है। देखो अगर अगर ये कोई पर्सन है और इस पर्सन को, इस व्यक्ति को कोई इधर खींचे दस न्यूटन से और कोई इधर भी खींचे दस न्यूटन से, तो देखो अब उसका जो परिणामी है दस दस कट गया जीरो आया, यानी अगर अगर दस और दस आप जोड़ रहे हैं तो जीरो आ रहा है, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। और इसी में अगर ये दस न्यूटन इधर है और इस पर्सन पर एक दस न्यूटन और दोनों इधर ही लगा दें, दस न्यूटन दोनों एक ही तरफ हो गया, तब ये बीस आएगा, क्योंकि तब ये व्यक्ति दोनों पर लेनी तरफ लग रहा है, इधर खींचता हुआ चला जाएगा ना, बोलो। तो दस दस जीरो भी आया, दस और दस का जोड़ जीरो भी आया, और दस और दस का जोड़ बीस भी आया, और दस और दस का जोड़ दस भी आएगा। अगर आपको याद हो 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर हम लोग जोड़े थे 10 और 10 को वेक्टर में, तो वेक्टर में 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का जोड़ 120 डिग्री पर 10 आया था। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर जो ये व्यक्ति है इस पर लगने वाले जो दोनों बल है, इनके बीच का कोण, इनके बीच का ये जो कोण है ये वाला 180 है, तो 10 और 10 का उत्तर जीरो आया। अगर इन दोनों बल एक ही तरफ है, मतलब इनके बीच का कोण जीरो है, थीटा बराबर जीरो, तब ये जोड़ 20 आया। और अगर ये 120 डिग्री पे है तो 10 और 10 का जोड़ भी 10 आया। तो 10 और 10 का जोड़ कितना आएगा ये बिना एंगल जाने आप नहीं बता सकते, बिना ये जाने कि इन दोनों 10 के बीच में कितना कोण बन रहा है आप ये नहीं बता सकते उसका जोड़ कितना आएगा। उसका जोड़ जीरो से लेकर 20 तक कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, ढाई भी आ सकता है, बीस भी आ सकता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि अगर ये पर्सन जो व्यक्ति है वो कोई आवेश हो जाए, क्या हो जाए, ये जो व्यक्ति है हाँ ये कोई आवेश हो जाए, और इस पर लगने वाले जो बल है ये विद्युत बल हो जाए, मतलब कोई दूसरा आवेश इस पर बल लगाए। जैसे देखो ऐसे समझो, एक आवेश है क्यू नॉट, अब क्यू नॉट पर एक आवेश यहां पर है Q1, वो जो बल लगा रहा है वो है F1 सदिश, वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको। दूसरा आवेश है Q2, वो बल लगा रहा है इधर F2 सदिश, और तीसरा आवेश इधर है -Q3, ये इसको आकर्षित करेगा F3 सदिश। तो अगर मैं आपसे बता दूं कि भैया ये वाला बल 10 न्यूटन है, ये 20 है, ये 30 है, तो परिणामी कितना आएगा, तो आप उसका जोड़ नहीं बता सकते बिना ये जाने कि इनके बीच ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, ये बीटा, बिना एंगल जाने आप नहीं बता सकते। यानी आपको सदिश योग करना होगा, कौन सा योग करना होगा, सदिश योग। और सदिश योग का आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर ए और बी दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तो इसका जो परिणामी आर है, अगर आपको याद हो पाइथागोरस प्रमेय आप लगाए थे, और फिर आपने एक समचतुर्भुज लगाया था उसमें आपने फॉर्मूला लगाया था, तो आपको फॉर्मूला आया था आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है। तो इसमें ध्यान दो, इसमें आप कितने सदिश को जोड़ रहे हैं, ए और बी दो सदिश को, तो ए और बी दो सदिश है, ये ए है ये बी है, और इसके बीच का कोण ये थीटा है, तो इसका जोड़ जो है वो आ रहा है। तो दो सदिश को आप तभी जोड़ सकते हैं जब उसके बीच का कोण थीटा आपको पता हो। अब आप दो ए और बी को जोड़ लेंगे, उसका जोड़ थीटा एंगल पर आर आ गया, अब इस आर को आप तीसरे वाले से जोड़ेंगे, मतलब आप पहला और दूसरा जोड़ेंगे, उसका जो उत्तर आएगा उसको तीसरे में जोड़ेंगे, अब ये तीसरे से जोड़ने पर जो आंसर आया उसको चौथे में जोड़ेंगे, ऐसे करते हुए आप सभी का
सदिश योग करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी आवेश पर, अगर किसी आवेश पर जैसे क्यू नॉट आवेश पर एक बल लग रहा हो, एक बल और एक बल और, तो मान लीजिए एक से ज्यादा जितने भी बल हो, यहां मैंने केवल तीन बनाए हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकता है, मैंने केवल तीन बल बनाया है, तो जितने भी बल लग रहे होंगे F1, F2, F3, इन सब का जो सदिश योग होगा F1, F2, F3 का जो सदिश योग होगा वही इस पर लगने वाला कुल बल होगा। अब ये लिखना बड़ा आसान है कि F1, F2, F3 आपने सीधे जोड़ दिया, लेकिन आप जान रहे हैं ये जोड़ना आसान नहीं है, इसको जोड़ने के लिए मैं आपको ये दिया बताया मैंने आपको। तो ये मानते हुए कि एक आवेश का बल F1 दूसरे आवेश से घट पड़ नहीं रहा है, मतलब प्रभावित नहीं हो रहा है, जैसे इसका बल F1 है तो चाहे ये आवेश Q2 और -Q3 हो तब भी ये बल Q1 F1 लगाएगा, और ये दोनों आवेश ना हो तब भी इसका बल F1 रहेगा, ऐसे इसका बल F2 रहेगा चाहे ये दोनों आवेश हो चाहे ना हो। तो एक आवेश के होने या ना होने से दूसरे आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मतलब होता है अध्यारोपण के सिद्धांत का, कि किसी आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होता है वो उस पर जितने बल लग रहा है सबका सदिश योग होता है, ये मानते हुए कि एक आवेश के होने या ना होने से दूसरे आवेश का बल ना परिमाण में बदलेगा ना दिशा में बदलेगा। बोलो ये बात समझ में आई? तो अगर ये Q1 अकेले है तब भी F1 बल लगाएगा, और अगर Q2 और -Q3 के साथ ये रखा है तब भी इसका बल F1 ही होगा, यानी Q1 F1 बल ही लगाएगा चाहे उसके साथ और कोई आवेश वहां हो चाहे ना हो। तो उनके प्रेजेंस का या एब्सेंस का, उपस्थिति का या अनुपस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना बात? ये बात समझ में आ रही है? हाँ, फिर से बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये वाला एक आवेश है Q0, अब इसके अगल बगल कई आवेश रखे हुए हैं, कई आवेश रखे हुए हैं, तो पहला बल F1 आया पहले आवेश का, दूसरे का F2 आया, तीसरे का F3 आया, तो ये जो बल F1 है, Q1 आवेश का बल F1 है, वो F1 ही रहेगा चाहे Q2 और -Q3 हो और चाहे ना हो, यानी इनके होने से और इनके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना बल उतना ही लगाएगा, चाहे दोनों हो तब भी F1 लगाएगा, ये दोनों ना हो तब भी F1 लगाएगा, वैसे ये अपना बल F2 ही लगाएगा चाहे ये दोनों आवेश हो चाहे ना हो, ऐसे ये बल F3 ही लगाएगा चाहे ये दोनों आवेश हो चाहे ना हो। इसका बल केवल इसी पर निर्भर करेगा, किसी और से इसको मतलब नहीं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो देखो उसको एक एग्जांपल समझा रहा है तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो जैसा देखो दो आवेशों के बीच जो बल होता है, दो आवेशों के बीच जो बल होता है उसका फॉर्मूला क्या है? Q1 Q2 / R2 है ना? आप ध्यान देना मेरी बात पर। अब यहां से सबसे खास बात स्टार्ट हो रही है। देखो जैसे मान लो ये वाला प्लस क्यू आवेश एक ये वाला आवेश हो गया, इसका मान प्लस क्यू है, और इससे आर दूरी पर एक दूसरा आवेश है प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है। अब बताओ कितना बल लगेगा इनके बीच? Q1 भी क्यू, Q2 भी क्यू, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही बल लगेगा, कॉन्स्टेंट की रहेगा, कॉन्स्टेंट के लिख रहे वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को सिर्फ के लिख दे रहा है, तो अभी के भी ये लिखेंगे बस इतना समझा, ये हमेशा है, मैं लिखूंगा नहीं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सिंपली इतना फोर्स आया। अब बताओ ये बल इस पर लगेगा या इस पर लगेगा? तो इसका उत्तर है दोनों पर लगेगा, धन है दोनों, इस पर बल इधर लगेगा प्रतिकर्षण का, इस पर इधर लगेगा। देखो ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है?
ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो बी पर भी बल लगा है, ए पर भी बल लगा है, दोनों का मान बराबर है, पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान देना, अब यहां से कहानी शुरू हो रही है। देखो मान लो ये वाला माइनस क्यू थ्री भी है, माइनस क्यू भी है, यहां पर एक माइनस क्यू आवेश भी रखा है, तो मुझे बताओ ये माइनस क्यू आवेश भी तो इस पर बल लगाएगा। तो माइनस क्यू आवेश यहां है, ये प्लस क्यू है, और कुछ देर के लिए मान लो कि ये वाला आवेश नहीं है, मान लिए ये आवेश यहां नहीं है, तो मुझे बताओ इसके और इसके बीच की दूरी आपको दी हुई है आर, ये दूरी आर है, तो मुझे बताओ ये माइनस ये प्लस, तो बल कितना है आप जानते हैं, माइनस प्लस से मतलब है नहीं, हम लोग माइनस तो लिखते हैं नहीं, तो बल वही आएगा क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बोलो यही बल आएगा ना। अब मुझे बताओ ये आवेश इस पर किधर बल लगाएगा, अपनी ओर इधर, और इस पर किधर बल लगेगा, इधर, बोलो सही, आकर्षण बल लगेगा, एक प्लस एक माइनस है। तो देखो ध्यान देना मेरी बात, ये वाला आवेश जो सी वाला है, ये यहां पर हो या ना हो, सी वाला माइनस क्यू आवेश यहां पर हो या ना हो, ए वाले का जो बी पर बल है क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वो उतना ही रहेगा, तो इसके होने या ना होने से ए का बी पर जो बल है वो बदल रहा है, नहीं बदल रहा। ऐसे ही सी का जो इस पर बल है वो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ही रहेगा, चाहे ये ए वाला आवेश यहां हो चाहे ना हो, यानी हर आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहा है, लेकिन कोई भी आवेश का बल किसी दूसरे आवेश के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता, बोलो ठीक है। तो अगर आप पूछा जाए कि भैया बताओ कौन किस पर बल लगा रहा है, तो सब बल लगा रहा है, ये इसमें बल लगा रहा है तो ये इसमें भी लगा रहा है, ये इसमें बल लगा रहा है तो ये इसमें भी लगा रहा है, ये इसमें बल लगाएगा तो ये इस पर भी लगाएगा, बोलो सही बात भाई। देखो सब एक दूसरे बल लगाएंगे ना, कोई आकर्षण का लगाएगा, कोई प्रतिकर्षण का लगाएगा, तो तुमको कहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो जगह सुनो। अगर मैं पूछूं कि भैया बी पर बल बताओ, कहां पर, बी पर, तो केवल बी पर लगने वाला बल देखना, क्योंकि बी ए पर भी लगा रहा है उसको मत देखना, बी सी पर भी लगा रहा है उसको मत देखना, ये देखना कि जिस पर पूछा जा रहा है यानी बी पर, उस पर बल कौन कौन लगा रहा है, तो बी किसी और पर कितना बल लगा रहा है ये मत देखो, कोई और बी पर कितना बल लगा रहा है वो देखो, बोलो ये बात समझे। तो देखो ये वाला इस पर कितना बल लगा रहा है एफ, तो ए का बल हो गया, ये वाला इस पर कितना बल लगा रहा है एफ, इसका बल हो गया, अब इन दोनों बल के बीच में कितना कोण है 90 अंश है कि नहीं, तो अब 90 अंश पर एफ और एफ को जोड़ देंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, बात समझ में आई ना। जिसके ऊपर, जिस आवेश के ऊपर आपको बल सॉल्व करना हो, केवल सभी आवेशों का उसी के ऊपर बल देखो, कोई भी बच्चा जिसके ऊपर बल देखा जा रहा है उसका, उस आवेश का किसी और पर बल नहीं देखेगा। अब ये चीज मैं जो कह रहा हूं थोड़ा न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगी, यहां और एक सवाल लगाते हैं, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लगाते हैं, अभी आप थोड़ा समझ जाएंगे। देखिए ये प्लस क्यू ए पर, ये प्लस क्यू बी पर, ठीक, और इनके बीच की दूरी आर, चलो बल बताओ, दोनों प्लस क्यू हैं, बल बताओ किस पर, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बल किस पर लगेगा, ए पर या बी पर, दोनों पर लगेगा, बी पर किधर लगेगा, दाएं, बी पर दाएं रहेगा एफ, ए पर बाएं, यहां पर भी एफ, दोनों का मान, f का मान कितना, q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस f का मान कितना, q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बात तो अच्छे समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देना, अब मैं यहां पर b से r दूरी पर
बी से आर दूरी पर एक आवेश प्लस क्यू और रख रहा हूं, ये भी प्लस क्यू है सी पर, ठीक। तो मुझे बताओ ये सी वाला बी पर बल लगाएगा या ए पर? दोनों बल लगाएगा। सी कोई भी आवेश अपने अलावा जितने आवेश होते हैं सब पर बल लगाता है। इस लाइन को फिर सुनो, कोई भी आवेश उसके अलावा और जितने आवेश होते हैं सभी पर बल लगाता है। तो सी बल लगाएगा बी और ए पर, ए बल लगाएगा बी और सी पर, बी बल लगाएगा ए और सी पर, बोलो सही। सब एक दूसरे पर लगाएंगे सर, लेकिन हम लोग बताएंगे कौन सा, हम लोग कौन से सवाल का उत्तर देंगे, भैया इस पे बताओ या उस पे बताओ, आपसे पूछा जाएगा। तो अब मैं पूछ रहा हूं बी पर कुल बल बताएं, बी पर कुल बल बताएं। तो अब आप क्या करेंगे, पहले अपनी पेन जिससे आप लिख रहे हैं, पेन पेंसिल जो भी, जैसे आप तो चार से लिख रहे हैं, तो मैं बी पर अपनी चाक ऐसे रख दूंगा। अब यही से मैं सब एरो बनाऊंगा, मुझे बी पर बताना है तो बी पर जो बल लगेगा उसको मैं बनाता जाऊंगा। मैं यहां से पेन उठाऊंगा नहीं, अब ध्यान देना बी पर बल कौन लगाएगा, तेजी से बोलो, ए लगाएगा या सी लगाएगा? बी पर बल ए लगाएगा या सी लगाएगा? दोनों। तो एक एक करके देखो, ए हाँ दोनों लगाएंगे, तो बी पर बल लगेगा ए का। चलो ए का बल बताओ किधर, ए का बी पर बल ऐसा आया था, ये प्रतिकर्षण का, बोलो आया था कि नहीं? Yes, sir. अब मुझे बताओ सी वाला धन है, सी वाला बी पर किधर बल लगाएगा? ये भी धन है, ये भी धन है, किधर बल लगाएगा? ये भी धन है, ये भी धन है, बल किधर लगाएगा? भैया धन आवेश, धन आवेश को क्या करता है? यानी देखो ऐसे समझो, ये धन आवेश, ये धन आवेश, दोनों पैसे हाथ रख लो प्रतिकर्षण, इसे बताना इधर आया। फिर सुनो, धन धन दोनों धन के हाथ रख लो, धन धन कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब दूर हटेगा, तो बी इधर जाएगा ए इधर जाएगा, तो ये प्रतिकर्षण। तो जब भी बल निकालना हो तो दोनों के ऊपर ऐसे हाथ रख दो, उसके बाद प्रतिकर्षण को दूर कर दो, आकर्षण है पास कर दो, समझे? अब देखो बी और सी बताना है, दोनों धन है, अरे दोनों धन है, yes, sir. दोनों पैसे हाथ रख दो, हाथ रख दो दोनों पर ऐसे, कैसा बल? कैसा बल? प्रतिकर्षण। हाथ दूर करो, जब हाथ दूर करोगे सी इधर जाएगा, सी से मतलब नहीं, सी पर नहीं बताना है, सी इधर जाएगा, सी से नहीं मतलब बी इधर जाएगा, तो बी पर बल इधर लगेगा, बोलो समझे, बोलो समझे, बी पर इधर बल लगेगा, बोलो समझे। अरे भैया केवल बी और सी देखो, दोनों धन है, बी पे हाथ रखे सी पे हाथ रखे, कैसा बल? प्रतिकर्षण मतलब इनके बीच दूरी बढ़ेगी ना, दूर हटेगी ना, दोनों दोनों दूर हटेंगे ना ऐसे, तो जो ऐसे जब करोगे तो सी वाला इधर जाएगा दाएं और बी वाला बाएं, अरे ऐसे तो लगेगा प्रतिकर्षण बल, दोनों हाथ दूर हटेंगे ना, तो ये जो बी वाला है तो वही बाएं आ रहा है, ये बाएं, बी वाला इधर, ये वाला इधर आ रहा है, बोलो समझे कि नहीं है? तो देखो बी पर जो बल लगा वो सी से दूर लगेगा हमें, तो उससे दूर हटेगा, और बी पर जो ए का बल है वो ए से दूर हटेगा, यानी बी वाला सी से भी दूर हटेगा, बी वाला ए से भी दूर हटेगा, और दोनों बल देखो यहां दोनों के बीच की दूरी आर है, आवेश क्यू क्यू है, यहां भी दोनों के आवेश क्यू क्यू है, दूरी आर है, तो ये वाला बल भी वही आएगा क्यू स्क्वायर वही आर स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बताओ एक आवेश पर जितना बल इधर लगा उतना बल इधर लगा, बीच में 180 अंश का कोण है, परिणामी कितना आएगा? परिणामी कितना आएगा? अरे यार
एक अभी जो पहला एग्जाम्पल बनाए थे कि एक पर्सन खड़ा है उसको 10 मीटर से इधर खींचे, 10 से इधर, तो कुल बल कितना आया था? तो वही तो है, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है। yes, तो दोनों अपोजिट है और इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर है, मान लो 10-10 और अपोजिट कर रहा है ऐसे, एक बच्चा हो तो एक लोग इधर खींच रहा है एक लोग इधर, दोनों की ताकत बराबर है, बच्चा बीच में उठकर रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बी है इस पर नेट फोर्स 0 आएगा। क्या बात समझ में आई? yes, sir. तो बी पर कुल बल कितना लगेगा? 0। बी पर कुल बल कितना? 0। बोलो ये ठीक, ये बात ठीक है ना? और अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम आपके फॉर्मूले से लगाएंगे, पूरा पूरा सॉल्व करके लगाएंगे, ठीक है सॉल्व करो, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो a है f, अभी f का मान रख, देखो इसको f मान लो, ये भी f है, दोनों बराबर तो है ही ना, a और b वाले बल तो बराबर है ही ना, तो a भी f है b भी f है, तो a माने पहला बल f स्क्वायर, b माने दूसरा बल f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f, a इंटू b मतलब f इंटू f f स्क्वायर, cos 60 cos थीटा कितना है 120, इसका मान कितना होता है 180, 180 का मान कितना होता है माइनस 1, तो ये देखो 2f स्क्वायर माइनस हो गया और ये 2f स्क्वायर प्लस हो गया, तो घट यहां से घट गया, 0 नहीं आया, r स्क्वायर 0 आया, तो r भी 0 आएगा और r परिणामी है, तो जान लो 180 अंश पर बराबर बल कैंसिल हो जाते हैं। अगर 180 अंश है और बल बराबर है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई? अब देखो a पर बल निकाल रहा है, अब किस पर बल, बल किस पर? a पर। b पर हो गया ना, समझ में आया ना, b पर बल 0 आया, अब हम लोग बल निकाल रहे हैं a पर। अब ध्यान दो, फिर से सवाल एकदम शुरू से बना रहा हूं, देखो ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, ये दूरी भी r है, ये दूरी भी r है। चलो अब मुझे पहले ये बताओ बल किस पे निकालना है? a पर, a पर, a पर, ऐसे पहले पेन रख लो, पेन a पर हो गई, a पर बल कौन लगाएगा? a पर बल कौन लगाएगा? तो a के अलावा सब लगाएंगे, यानी b और c लगाएंगे, तो एक बार b का बल निकालो, जब b का बल निकालोगे a पर, जब b का बल निकालोगे a पर तो c भूल जाओ, c को देखो ही बल। चलो बताओ ये जो क्यू है बी वाला वो प्लस है, वो इस प्लस को क्या करेगा? ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो बी वाला इधर जाएगा, ए वाला इधर, बी से हमको मतलब नहीं, बी को हमको बताना नहीं, हमको ए बताना है, तो ए पे बल इधर आया, एफ मान लो, सही है, एफ का मान कितना होगा? क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सही है, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और r अपॉन r स्क्वायर। अब ये बताओ c वाला प्लस a वाले प्लस को क्या करेगा? हाँ अब ये अब b वाला आवेश मत देखना कि रास्ते में ये भी आ जाएगा, इससे मतलब नहीं है, अध्यारोपण का सिद्धांत यही है कि जब एक आवेश का बल दूसरे पर निकालोगे तो तीसरे को आवेश को भूल जाओ, b मत देखो, b वाला आवेश देखना भी मत, c वाला धन a वाले धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, चलो ये वाला बल बता दो एफ डैश, जरा इस एफ डैश का मान बता दो, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर का होल स्क्वायर, टू आर का भैया आर और आर टू आर, तो टू आर का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? क्यू स्क्वायर टू आर का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? क्यू स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर आया, सही है, सही है, अरे बोलो। अब ये बताओ ये दोनों बल एक ही तरफ है, अरे एफ डैश भी बाएं है और एफ भी बाएं है, तो अगर एक ही तरफ है सीधे जोड़ दो,
अगर दोनों बल एक ही तरफ है सीधे जोड़ दो, तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वन बाई फोर क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक घन एक बटे चार लोगे तो पांच बटे चार आएगा, पांच बटे चार क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? तो ए पर कुल बल इधर आया 5 बाई फोर क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी पे बल आया 0, सी पर बल बताओ, सी पर बल बताओ। हाँ, जो ए पे लग रहा है वही सी पर लगेगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी। ये वाला प्रतिकर्षित करेगा क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से, ये वाला प्रतिकर्षित करेगा क्यू स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर से, दोनों को जोड़ोगे फिर से 5 बाई फोर क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा, बस दिशा इधर आएगी। बोलो बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बोलो भाई, बात क्लियर है? अब एक चीज बता दे रहा है इसमें, अब इसमें एक चीज बता दे रहा है कि अगर कोण 180 हो तब तो तुमको बता दिए ए माइनस बी आएगा। देखो एक चीज सुनो, जो फार्मूला है कुल बल का, कुल बल का जो फार्मूला है आर स्क्वायर बराबर पहला बल एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस, अगर यहां 180 होगा, ध्यान देना 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, आएगा ए स्क्वायर एफ वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू। तो आप जान रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी हो गया, तो ये एफ वन माइनस एफ टू आएगा। अब ये आर बराबर एफ वन माइनस एफ टू आएगा, भाई आर स्क्वायर का मान आएगा एफ वन माइनस एफ टू का वर्ग, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी क्या होता है ए माइनस बी का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर बराबर क्या है ए माइनस बी। बोलो, अरे सही है? बोलो भाई। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी वस्तु पर किसी आवेश पर एक बल इधर लगे F1 और एक बल इधर लगे F2 और इनके बीच कोण 180 हो, तो फार्मूला सीधे लगा दिया करो R बराबर F1 माइनस F2, मतलब ज्यादा हो तो इसका घटा दो, ठीक है? जैसे दोनों बराबर है तो कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। हाँ, और अगर F1 और F2 आवाज बंद कर लो ना, आवाज बंद करो, ध्यान देखो, और अगर एक थीटा जीरो हो कॉस जीरो, फिर से बता देना ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं कि जो R का फॉर्मूला है परिणामी का वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो A और B की जगह हो गया F1 F2 पहला बल और दूसरा बल और प्लस टू F1 F2 cos, अगर 180 होगा तो यहां माइनस वन आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी का वर्ग, यहाँ आर आर का वर्ग यहाँ ए माइनस बी का वर्ग, वर्ग कैंसिल करो तो यहाँ पे आर बराबर आएगा एफ वन माइनस एफ टू। तो अगर दो बल लग रहे हो ऐसे जिनके बीच 180 बन रहा हो यानी दाएं बाएं वाला, तो ज्यादा कम से कम घटा दो सीधे, और अगर ये कोण जो है जीरो हो एफ वन भी नहीं लग रहा हो और एफ टू भी नहीं लग रहा हो, थीटा जीरो हो, थीटा कितना हो जीरो, तब क्या होगा यहाँ कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो का मान क्या होता है प्लस वन, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर बराबर एफ वन प्लस एफ टू। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दो बल एक ही दिशा में है सीधे जोड़ दो, दस दस बीस, अपोजिट हो दस माइनस दस जीरो, या मान लो एक बीस हो और एक पांच हो तो बीस माइनस पांच बराबर पंद्रह, तो अपोजिट हो 180 पे तो घटा दो, एक ही दिशा में है तो जोड़ दो। बोलो समझ पाए? लेकिन मान लो यहां कोण 90 अंश हो 60 अंश हो 45 अंश हो, तब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व करो। इसी भी दो कोण याद रखो, अगर 180 है तो घटा दो, जीरो है तो जोड़ दो, और किसी और एंगल के लिए ये पूरा फॉर्मूला है ये लगाओ। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir.